बड़े ब्रह्म की मंदिर में हम सबके सदा आए, इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, संसारे पार हैया भक्ति रे चांदे। कहते हैं अगर कोई संसार से पार होकर के भक्ति की रस समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोले बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होना तब तक ये जीव कभी भक्ति रस समुद्र में कोई गोता नहीं लगा सकते। इसलिए नरगुण दास ठाकुर कहते हैं, हेना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई देना है, दृढ़ करी धरा निताई। यदि बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होगा तो कोई भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करो, बड़े अच्छे तरह से दृढ़ रूप में उनके चरणों को पकड़ लो, बस राधा कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए कहते निताई करुणा अवे राधा कृष्ण पावे। इसलिए बलदेव प्रभु का कृपा होने पर तभी ब्रज में राधा कृष्ण को कभी वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इनकी कृपा के बगैर कोई भी भक्ति सागर में कोई डूब नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण दास ठाकुर के क्या कहते हैं, बोले आबध करुणा सिंधो रागिया मुहाना। प्रेम है कहते एक बहुत बड़ा बात था जिसको एक तरफ में वो प्रेम पूरा टुकड़ा था, लेकिन उसको जो उसको काटा किसने, बोले श्री नित्यानंद बलदेव प्रभु ने ही वो प्रेम की। कहते बाढ़ मतलब होता है बाढ़, कहते जगत में प्रेम की बाढ़ लाने वाले कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु थे, उन्होंने प्रेम की बाढ़ लाए और ला करके उन्होंने सबको उन्होंने डुबा दिया। इसलिए इन्हीं के कृपा के बगैर कोई भी भगवत भक्ति जगत में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर उसका नाम रख दिया चैतन्य भागवत, लेकिन जब जब उसमें कहीं नित्यानंद प्रभु का थोड़ी सी बात आए ना, महाप्रभु का बात बोलना छोड़ दी और पूरा नित्यानंद बढ़ते 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 पूरा बढ़ते बढ़ते भटक जाते। यहाँ सीखा लेते अपना गुरु जी के चरण में श्री बढ़ते प्रभु चरण में जीव का कितना निष्ठा होता है, उसको गुरुदेव श्री बढ़ते प्रभु। इसलिए जब तक श्री गुरु जी के चरण में जीव की निष्ठा नहीं होना भैया वो जीव कोई भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की कथा छोड़कर उसकी बड़देव 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 पूरा बड़देव बड़देव कथा, इसलिए इसका नाम है बड़देव। बड़देव मतलब क्या, बल मतलब होता है बल, देव मतलब भक्ति की बल की जो अधिष्ठात्री देवता श्री बड़देव प्रभु है। इसलिए ये जब तक जीव को कृपा नहीं करेगी ना, तब न अयम आत्मा बल हिमेन न लगभग, जिसके अंदर में भक्ति की बल नहीं कहते वो कभी भी आत्म तत्व को कभी भी प्रवृत्ति समझ नहीं सकते हैं। इनकी कृपा से ही हमको भक्ति जगत में बल, अब प्रभु जी बता रहे थे ना ये अखंड गुरु तत्व रूप में गुरु रूप में आकर के हमारे अंदर में भक्ति की भावना भजन की भावना कौन करते, ये नित्यानंद प्रभु और श्री बलदेव प्रभु यही करते हैं। अभी बता रहे थे इनको दो हल और मुसल, लेकिन यहाँ पर हल मुसल नहीं है, लेकिन इनका हाथ में देखो श्रृंगा है। हाँ इनका हाथ में देखो श्रृंगा तो हाथ में ये श्रृंगा क्यों धारण कहते हैं, इसलिए कहते हैं जैसे कृष्ण को बताए वृंदावनम परित्यज्य पाद हितम नगेशान, जैसे कृष्ण कभी भी वो वृंदावन छोड़ के कहीं एक कदम भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण गए तो देवक नंदन वो देवक नंदन गए थे, इसलिए वसुदेव नंदन गए थे, लेकिन जो नंदन नंदन को कृष्ण ब्रज छोड़ के कभी नहीं गए, इसलिए बलदेव प्रभु भी गए, लेकिन जो मूल बलदेव जो रोहिणी नंदन है वो कभी वृंदावन छोड़ के कभी भी एक कदम भी कहीं नहीं जाते, वो देवक नंदन गए रोहिणी नंदन ब्रज में रहे, इसलिए बलदेव प्रभु को देखने में गोरे हैं, लेकिन यहाँ देखो गोरे क्या है क्या है ये काले हैं, ये काले क्यों, अब वृंदावन में देखना जहाँ बलदेव प्रभु का मंदिर देखो ना गोरे बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको प्राय करके बलदेव प्रभु काले मिलेंगे, ये काले कैसे होते हैं, जब ये ब्रज में आए हैं ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए तब कहते कृष्ण चिंता निवेश है जसोदा
इसलिए मैंने कृष्ण चिंतन करते 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 बलदेव रंगीय काले रूप को मैंने धारण किया है। केवल कृष्ण चिंता नहीं, बलदेव रंगीय काले रूप को बलदेव को धारण करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कहते, श्री जो बलदेव प्रभु है ये बड़े दयालु है। इसलिए इन्होंने ही जब उन्होंने राम अवतार में, जब राम रूप में लक्ष्मण रूप में आए, ऐसे कुछ काम करना पड़ा जो काम सेवक धर्म के विरुद्ध। जैसे जब सीता को लंका से ला रहे थे, लक्ष्मण को बोले सीता से जा, सीता से बोले क्यों, हम परीक्षा करके लेना चाहते। उस समय देखे होंगे लक्ष्मण इतने, आप देखे रामायण ना, भगवान राम को भी थारी को बिछड़ा दिए, अपना भगवान को उन्होंने छोड़े नहीं, बोले मैं उनका बेटा हूँ, मैं आपका विरोध नहीं जा सकता। मतलब इतने राम के ऊपर इतने बिगड़ गए, अपना प्रभु के ऊपर बिगड़ गए। बोले क्यों, बोले उनकी सेवा के लिए, बोले सीता मेरी माँ है, मैं माँ के लिए मैं आपके साथ में युद्ध कर सकता हूँ। मतलब इतने बिगड़ गए राम के ऊपर लक्ष्मण जी, इसलिए उनको सेवक धर्म का विरोध काम करना पड़ा, सीता से जाना पड़ा, सीता जी की परीक्षा देनी। फिर जब लोग ने फिर उल्टा पुल्टा बोले राम का विषय पर, कहाँ सीता एक साल तक रावण उठाकर ले गया था और आए तो बराबर सिंहासन में बैठा दिया। जब उनको चुगली बुराई करने लग गए, जब भगवान राम को पता चला, उन्होंने लक्ष्मण को दे करके सीता जी को उन्हें विदाई दी। लक्ष्मण का छाती फट रहा था, लेकिन एक छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई का आदर आदर से पालना करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी उन्होंने क्या किए, सीता को कितने कष्ट उनको मिला, इतने कष्ट मिले, और बड़े छोटे बड़े बड़े मिले आम रात में बड़ी 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 पालना, क्योंकि मैं बड़े होगा तो कृष्ण को मेरा आदर पालना करना पड़ेगा। अभी यहाँ प्रश्न होता है कि कोई सेवा हो गया, जिसे बड़े बन करके आएंगे, मेरे आदेश भगवान को पालना करना पड़ेगा, तो सेवक धर्म का विरोध हो गया, विरोध हो गया ना, मेरे आदेश को भगवान पालन करे। कितने जो सेवक है ना, चार तरह के सेवक होते हैं, कितने तरह के, चार तरह के। कभी ये उत्तम सेवक है, ये बलदेव प्रभु उत्तम सेवक है। एक उत्तम सेवक का लक्षण क्या है, बोले उनका ये लक्षण है जो प्रभु की सेवा है। भगवान थोड़ी कहीं उनके सेवा करो थोड़ी, वो तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं मेरी सेवा करो। लेकिन जो उत्तम सेवक होते हैं, कहते मन को जान करके प्रभु बोलने से पहले जो सेवा करता है ना, ये उत्तम सेवक। नहीं बोलने पर भी, आदेश देने पर भी, जो पालना नहीं करने पर, जोर जबरदस्ती सेवा करते हैं, कभी ये उत्तम सेवक। जैसे संत गुरुदेव जी आदमी बोलते, जैसे पति हड्डी का समय कहीं बाहर जा रहे हैं, पति कहीं जा रहे हैं, पत्नी ने देखा हड्डी का समय, पति को बोले देखो तब साथ में साल को लेकर के जाओ, इसलिए ओढ़ने के लिए ठंडा पड़ रहा है। बोले नहीं अभी अभी जाऊँगा, आ जाऊँगा, फिर देखो साथ में थोड़ा भोजन ले जाओ, पता नहीं देर हो सकता है, फिर आप कहाँ भोजन करोगे। लेकिन पति मना करके, मेरी पति पत्नी क्या करती है, उनके लिए बड़े सुंदर आकाश में बड़े सुंदर साल रख देती है, टिफिन में बड़े सुंदर सब्जी, आलू की पराठा, गोभी की पराठा, बड़े सुंदर सुंदर चाटनी रख करके पति मना कर रहे हैं, लेकिन ये जोर जबरदस्ती रख करके पति के लिए देते हैं। पता पति खुश होगा ना दुखी होगा, बताओ खुश होगा ना दुखी होगा, खुश हो जाएगा ना, तो पति मना कर रहे हैं लेकिन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए उसी तरह कहते जो बलदेव प्रभु ये कृष्ण नहीं चाहने पर भी, कहते श्री महाप्रभु नहीं चाहने पर भी सेवक है ना, इसलिए बलदेव प्रभु रूप में क्यों, अभिन्न रूप में क्यों प्रकट हुए। कारण है कृष्ण को क्या अच्छा लगता है कृष्ण को ही पता है, और किसी को पता नहीं। इसलिए कृष्ण, इसलिए दो ही भाई एक तरह समान प्रकाश, देखने में बलदेव प्रभु गोरे और बलदेव कृष्ण देखने में काले, इतने और कुछ कोई भेद नहीं, एक ही है। केवल कृष्ण कृष्ण की सेवा शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री बलदेव प्रभु रूप में उन्हें प्रकट हुए हैं। इसलिए हमारे वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत का जो मंगलाचरण करते हैं, कहते आचार लंबित कनका पता तो संकीर्तन कपि करो कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार वृंदावन संकेत। देखो मेरे जो गुरुदेव है कृष्ण से किसी अर्थ से कम नहीं बढ़ते प्रभु। इसलिए यहाँ पर द्विवचन 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 प्रयोग करें, आजान लंबित भुज दोनों का ही आजान, दो वचन
है आजाद लंबी तो बुझो कन्यता प्रदा तो दोनों ही गौरव करने की है विश्व भरो दोनों ही जगत को भरण पोषण करने वाले युग धर्म पालो युग धर्म को दोनों ही पालन करने वाले इसलिए वहां पर दो वचनों समय जो गुरुदेव नित्यानंद प्रभु बोले थे प्रभु वो क्या है कृष्ण से किसी अर्थ से मेरे गुरुदेव काम नहीं हो एक ही वर्ष के केवल सेवा शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये अभिन्न रूप में श्री बलदेव प्रभु रूप में ये प्रकाश हुए इसलिए कभी इन्होंने फिर दो अवतार जब आए ना छोटे बन करके नहीं आए बड़े बन करके आए बलदेव प्रभु बन करके आए अगर कृष्ण कभी उल्टा पुल्टा बोले ना हे कृष्ण को डांट लगा दे कन्हैया ऐसे नहीं करना उधर नहीं जाना इधर जाना शासन करते किसको किसको शासन करते कृष्ण कभी कृष्ण छोटे भाई बन करके आए ना शासन करते हैं इसलिए महाप्रभु लीला में भी और नित्यानंद प्रभु बड़े बन करके आए महाप्रभु छोटे बन करके आए इसलिए कहते बलदेव प्रभु ये उत्तम सेवक होने का नाते उन्होंने क्या किया उन्होंने दो अवतार में बड़े बन करके आए छोटे बन करके ये नहीं आए छोटे बन करके और आ करके किन्ने रूप में उन्होंने सेवा दी कभी लक्ष्मण रूप में जब आए थे ना कहीं रामायण में आता है कभी ये मेघनाद को कौन मार सकता है बोले सभी नहीं मार सकते 14 साल तक जिसने भजन नहीं किया 14 साल तक जिसने स्त्री का मुंह नहीं देखा 14 साल तक जिसने सोया नहीं कोई मेघनाथ को बन कर सकता लक्ष्मण का तो नहीं किया भगवान राम बोले तुमने कैसे किया मेरे को तो रोज रोज तक मैं प्रसाद देता था जंगल से फल फूल देता था इसलिए मैंने तुमको भोजन दिया तुम सर भोजन नहीं किया बोले अगर आप बोलोगे अभी उसके प्रमाण बोले कहाँ अब जहाँ जहाँ पर हम गए अपने जोड़े में मेरे को जो फल दिया था अब जाकर देखोगे हनुमान को भेज कर देख सकते अभी भी वो जोड़े में फल वही कर रखा हूँ मैंने खाया नहीं और 14 साल तक सोए नहीं हम लोग अयोध्या गए थे वहाँ पर देखा रात सीता जहाँ पर सोए हुए थे अब जाना साल एक साल पत्थर है सीताराम जहाँ सोए हुए थे ना तो दोनों का चिन्ह सीताराम चिन्ह एक तो पूरा गड्ढा बना हुआ है और जहाँ पर लक्ष्मण जहाँ पर बैठ करके धनुष को रख करके जहाँ बैठ करके देखा वो देखने से पता चलता है उनका धनुष कितना बड़ा था गए देखे चित्रकूट पास सॉल धनुष लक्ष्मण जी कहते मैंने 14 साल कभी मैंने सोया नहीं है मैं 14 साल कभी सोया नहीं बैठ करके मैं प्रभु इसलिए उसी समय में स्वयं माया देवी भी लक्ष्मण के पास में आए थे उनसे राम नाम लिए 14 साल तक मैंने स्त्री का कभी मुंह नहीं देखा बोले सीता तो साथ में थी दिखा दी कैसे मुंह सीता तो साथ में थी ना तुम दिखा नहीं कैसे मुंह लक्ष्मण जो बोले सीता जी की जब राम ने बताया तुम देखो तो यही क्या सीता जी अलग था ऊपर से फेंकी थी ना यही क्या बोले मैं केवल चरण की पहचान सकती क्योंकि मैंने कभी सीता जी की मुंह कभी मैंने देखा कभी मैंने नहीं देखा मतलब लक्ष्मण जी ऐसे उन्होंने राम की परछाई की भांति रह करके उन्होंने सेवा की इसलिए बलदेव प्रभु रूप में नित्यानंद प्रभु रूप में उन्होंने अनंत अनंत रूप में श्री बलदेव प्रभु ने उन्हें सेवा की इसलिए इन्होंने सबसे जो पहला जो राक्षस वध किया आप लोग श्रवण कर रहे थे किसको मारे गर्भवास तो उसने सुंदर सुंदर कथा कहते कहते हमारे भक्ति मुनि ठाकुर कहते हैं इसलिए कहते सही गाथा हो संसारे बोझा बहनों यहाँ पर सारे गधे 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 कितना ये संसार माया के संसार जो सेवा करते हैं उनको गधा बताया है उनको गधा बताया जो भगवान की भजन को छोड़ करके ये दुनियादारी संसार की मोह में पड़ा हुआ उसको गधे बताया इसलिए उन्हें गर्धवास रूप मारे हैं सबसे पहले तब हमारे रामचंद्र को बड़े सुंदर बड़ी अच्छी सुंदर बात बताते हैं दो कथा सुनाते हैं एक कथा सुनाते हैं मतलब एक समय एक धोबी के घर में एक गधा रहता था और रोज पीठ के ऊपर में सारे महिला कपड़ा सारे सामान को ढोक लेता था और पिटाई भी खाता था और थोड़ा घास भूसा खा खिला देता था एक गधा रहता था जंगल में ये गधा रहता था धोबी के घर में जो जंगल में गधा रहता था वो हरी भरी घास को खा करके एक नदी का पानी पी करके तंदुरुस्त मोटे सोटे लेकिन ये गधा धीरे 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 दुबला पतला होता जा रहा है एक दिन जो जंगल में गधा रहता था बड़े सुंदर
ये गधे को बोलते क्यों सत्संग करेंगे, अरे तू आ जा मेरे साथ में, हाँ जंगल की घास खा हरियाली और सुंदर सुंदर पानी पी आनंद मेरा, बोले मैं आऊंगा मैं तब आऊंगा। लेकिन जब देखे धीरे धीरे दुबले पत्ते होते जा रहे, वो आ नहीं रहा है किसी तरह से, क्या चक्कर क्या है, तो आऊंगा आऊंगा बोलकर धीरे धीरे शरीर शरीर दुबला पतला होते जा रहे, क्यों नहीं आ रहे, बता क्या लगता है कि तू डाल में कुछ डाला है, सही सही बात बता तू क्यों आना नहीं चाह रही। बोले एक अंदर की बात है, बोले क्या अंदर की बात, बोले धोबी क्या घर में है ना एक लड़की रहती है, वो लड़की एक बार क्या हुआ, वो लड़की कपड़े को प्रेस कर रही थी और प्रेस करते करते वो कपड़ा जल गई, और जल गई तो धोबी ने उन्हें बोला, बोले देख बेटी अगर और कभी तुमने कपड़े को जल जला दिया ना, ये गधे को साथ में करके मैं शादी करा दूंगा, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ तब ऐसे दिन आएगा वो कपड़े को जला दे फिर मेरे साथ में लड़की को शादी कर दे, इसी भाव से मैं छोड़ नहीं रहा। इसका तात्पर्य यह है जो जीव है ये संसार में क्यों पड़ा हुआ है, देखना सभी का गाली सुनना पड़ता है, बीवी की पत्नी की बच्चों की परिवार की सबका गाली सुनता है, लेकिन तभी संसार नहीं छोड़ता, क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये माया की मोह में मोहित होकर के ये सबका गाली सुन रहा है, किसका गाली नहीं सुनता है, संसार का सारे काम करो सबका गाली सुनो, यदि माया की जो ममता है ना बात इसी माया के चक्कर में छोड़ दिया। दूसरा घटना उदाहरण देते थे, बोले कोई एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर में गड्ढे को ले गए थे, पीठ को ऊपर बोझ को ठो करके करते करते एक गाँव आया, लेकिन उसने भूल गया गड्ढे को बांधने के लिए रस्सी को भूल गया, लेकिन इतने में सोचा भैया गड्ढे को भाग जाएगी रात को, रस्सी का ढूंढा देखा कि साधु बाबा, बोले साधु बाबा घर में रस्सी है ये रस्सी क्या करो, बोले गड्ढे को लाए बाजू वाले तो भाग जाएगी रात में, बोले चलो मैं बांध दूंगा अपनी रस्सी कहा है, बोले चलो मैं तेरे को भिजा था बगैर रस्सी के मैं बांध दूंगा, वो आए तो जो साधु बाबा था ना अपने हाथ को पेड़ में इसे घुमाया और रस्सी को जैसे बांधते ना ला करके थोड़े जो गधे को प्यार को ऐसे घुमा घुमा करके बांध दिया, जब बांध दिया बोले बिना रस्सी के इसी बात बांध दिया ना, देखो ना रात गधे कोई नहीं जाए, सचमुच से घुरा जहाँ के तहाँ खड़े रहे रात भर खड़े रहे बगैर रस्सी के रात भर खड़े रहे, लेकिन जब सवेरे हुआ उसने वो गधे को ले जाने के लिए चाह, लेकिन गधे अब जाए नहीं जहाँ के तहाँ खड़ी मारे कोड़े लेकिन चले नहीं जहाँ के तहाँ, फिर आया बाबा के पास बोले बाबा ये घोड़े ये गधे चल नहीं रहे, रस्सी के खोला कि नहीं, बोले रस्सी कहा था रस्सी तक खाया नहीं अब तो हाथ को घुमाया, बोले यही तो चक्कर है चलो मैं खोल देता हूँ, उसने बाबा को लाए उसने हाथ के ऐसे ऐसे जैसे पीछे बांधा था ना ऐसे ऐसे करके उन्होंने खोल दिया, बस घोड़े चलना गधे चलना शुरू हो गए, इसमें बहुत बड़ी चिट्ठिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट की न्याय, उन दो उदाहरण देकर समझाया जो जीव कौन है वो ईश्वर का अंश है, लेकिन अभी जैसे भगवान अमल है चेतन है सुख का राशि है हमारे अंदर में वो चीज है, लेकिन जो जीव है ना माया को बंधन में पड़ा हुआ, कैसे दो उदाहरण दिया कहते मरकट और कीट न्याय, मरकट मतलब बंदर, अब देखना बंदर को गई जाने से पकड़ते हैं दूर से बंदर को दिखा दिखा करके ना एक कलसी को मिट्टी में डाल देते, उसका मुंह उतना बड़ा होगा बोला हाथ ही घुस सकता, और उसको दिखा दिखा कर उसको अंदर में कोई आलू दे तो फल को डाल करके एक पेड़ को पीछे छुप जाएगी, बंदर देखता भैया वहाँ पर फल को उसको अंदर में रख दिया, वो लपक करके आएगा जब हाथ को तो घुसा देगा, लेकिन उसको जो पकड़ लेगा ना हाथ हो गया मोटा मोटा हो गया तो जब निकालने के लिए चाहेगा हाथ मोटा है ना और निकलेगा नहीं, क्यों पकड़ लिया आलू को नहीं तो फल को वो निकलेगा नहीं, वो टेंटे टेंटे करना सोच पर जाएगा, उसको ऐसे लगता है मानव जैसे अंदर में मेरे कुछ ने पकड़ लिया, लेकिन जो कोई पकड़ा नहीं, फिर वो बहलिया आएगा आकर के गला में रस्सी बांध कर बाद बद्रनाथ मार मार के बद्रनाथ दिया, और ये एक दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता, तोते को बहलिया कैसे पकड़ते हैं कहते उन्होंने
एक ऐसे करके वहाँ पर फल लटका देते हैं और उसका नीचे एक जैसे नीचे है लकड़ी और उसको ऊपर में जैसे बांस का होता है ना, बांस का जैसे आप पंखा ऐसे ऐसे पाते ना, ऐसे बांस का नली होता है उसका अंदर में एक लकड़ी लेकर के उसके ऊपर बांस का एक उसका नली रखते थे। जब वो तोता अगर बैठ करके वो फल को खाना चाहेगा वो घूम जाएगा, जैसे पंखा को ऐसे घुमाता है तो अपने गिर में, इसलिए वो नली जैसे घूम जाएगा और तोता नीचे लटक जाता है। जब नीचे लटक जाता है उसको ऐसे अनुभूति होता है मानो मेरे हाथ को प्यार किसी ने पकड़ कर दिया, फिर टेढ़े टेढ़े करना शुरू कर भाग रह जाएगा नहीं, वो झुलता रह जाएगा, वो टेढ़े टेढ़े बस दही जाएगा पकड़ करके बेचेगा, तब कहाँ पर पिंजरा में दर्द हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम भी उसी तरह, हम कहते हैं ये माया हमें पकड़ लिया, हम इसको कैसे छोड़े, हम उसको कैसे छोड़ कर भजन करें, उसको कैसे छोड़े, मेरे बगैर कैसे संसार चलेगा, क्या दुनिया क्या होगा, कभी कभी हम ये सोचते हैं कहते भैया तेरे को किसी ने नहीं पकड़ा तो खुद पकड़े रहते। महाप्रभु किस समय में संन्यास लिए, जिस समय उनको पिता बड़े भैया ऑलरेडी संन्यास लेकर चले गए हैं, उसके बाद पिताजी भी वैकुंठ वास हो गया, घर में एक बूढ़ी माता जी और पत्नी विष्णु प्रिया 17-16 साल की हो गई। 26 साल उम्र में महाप्रभु किसी अवस्था में संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण किया और संन्यास लेकर सारा दुनिया को भक्ति प्रचार किया। यहाँ पर जगत में हमारे जितने कर्तव्य है दुनिया के, जितने बड़े बड़े कर्तव्य, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, कहते आए थे हरि भजन को और करने लगे कपार, भगवान से तो कसम खाकर आए भजन के लिए, लेकिन झूठे माया में फंस करके बास हम लगता है माया पकड़ लिया, तुमको माया नहीं पकड़ा तुम खुद माया पकड़ कर बैठ गए, लेकिन हम कहते हमारे बगल में संसार चलेगा। अब देखना जब बेल को नीचे नीचे कुत्ता चलता है वो कुत्ता क्या सोचता है, मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन वो बैलगाड़ी कौन खींच रहे हैं, बैल, लेकिन नीचे कुत्ता चलता है तो मेरी वजह से आज बैलगाड़ी चल रही है और मैं नहीं हूँगा ना ये बैलगाड़ी कैसे चलेगा। इसलिए हमारे अंदर भी ये अज्ञान बैठा हुआ है, लेकिन ये अज्ञान को अगर कोई तोड़ने वाले को बल दे, इसलिए इनकी गुरु तत्व है बोले गुकार अंधकार का त्रुका सत्य निरतर को बलदेव प्रभु का कृपा होगी ना, बस यही गुरु रूप में जगत में आते हैं। और हमारे श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज वो पिताजी के लिए मेडिसिन लेने के लिए गए थे, देखा प्रभुपाद कथा सुना रहे हैं, प्रभुपाद को दर्शन करते हुए और उनको कथा सुन करके ना पिताजी के लिए जो मेडिसिन ले गए थे वही प्रभु फेंक करके बोतल को बस वही पर जाकर साधु बन गए और दुनिया में भक्ति ऐसे उन्होंने प्रचार किया और दुनिया में भक्ति प्रचार किया। इसलिए कहते हृदय की जो अज्ञान को अगर कोई दूर करने वाले श्री बलदेव प्रभु कृपा से ही ये अज्ञान दूर होता है, फिर जी भगवान की भक्ति रस में भक्ति राज्य में जी प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम भी इसी संसार की माया में पड़े हुए, हमको लगता है माया पकड़ लिया लेकिन कोई नहीं पकड़ा, लेकिन इसको दूर करेंगे तो बलदेव प्रभु, इसलिए बलदेव प्रभु हमारे ऊपर सब कृपा करे, जैसे माया को छोड़ करके हम इनके आदमी करते हुए ठाकुर जी की सेवा जैसे कर पाए, इसलिए बलदेव प्रभु हमारे घर में कृपा करें। प्रसिद्ध बलदेव प्रभु की जय, प्रसिद्ध दाऊ भैया की जय, प्रसिद्ध कृष्णा कन्हैया की जय, प्रसिद्ध रेवती देवी रामन प्रभु की जय, रेवती भैया की जय, सीताई गौर भगवान की।